हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, लेट नाइट थाट्स। ठीक है, लेट नाइट थाट्स, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनके मन में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है और एनर्जी आपसे जितनी रेजोनेट करती है बस उतना ही लेना है। ठीक है, और अपना ख्याल रखना है, अपना ध्यान देना है, मेंटल स्ट्रेस से बचना है। और मैं हम बोलना चाहूँगी कि अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। ठीक है, जहाँ देखिए हेल्थ इज वेल्थ, स्ट्रेस डिप्रेशन ओवरथिंकिंग क्या देती है, स्ट्रेस देती है, जिससे क्या होता है हमारा जो सोचने का क्षमता होता है उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, है ना। तो हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, है ना, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम लेट गो करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका फैमिली का सपोर्ट और प्यार भी। इसलिए सब कुछ देखते हुए सही है, सबके लाइफ में पार्टनर है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन जब आपको वो इस वक्त आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो मैं उनके लिए कर रही हूँ, तो आप खुद को बदलना शुरू कीजिए, है ना। खुद को बदलना शुरू कीजिए और फिर देखिए। आप एक मंथ भी, मैं जो कह रही हूँ, आप एक महीने भी, वन मंथ भी आप एक कोशिश कर देखो अपने ऊपर बदलाव कर। थोड़ा प्रोसेस धीरे होता है खुद को बदलने के लिए, लेकिन गॉड आपके साथ हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। भगवान डायरेक्ट आपसे बात नहीं करते हैं, हम सब के माध्यम से आप तक मैसेज देते हैं। नेचर से आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए, ठीक है, पेड़ पौधे बोइए, नेचर से कनेक्ट रहिए, आपको हीलिंग मिलेगी। पानी से कनेक्ट रहिए तो आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पानी और अच्छे सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग, अच्छे सॉन्ग सुने। ठीक है, या फिर आप राइटिंग कर सकते हो तो राइटिंग भी करो, राइटिंग भी बहुत अच्छा जरिया है हीलिंग के लिए और इससे आपका नॉलेज ज्ञान भी बढ़ता है और फिर आगे कुछ आप डायरेक्शन आपको मिलता है कि मुझे कुछ करना है। तो चलिए देखती हूँ लेट नाइट थॉट्स, जस्ट प्लीज गाइड करें और आगे शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लेट नाइट थॉट्स क्या है, उनके मन में क्या है, प्लीज इन जस्ट प्लीज गाइड करें। टेन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, मुझे सर्दी बहुत जोर से लगी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ओ माई गॉड, वॉट ऑन द डेक से आई डी, एस ऑफ कप्स, आप देख सकते हो सोर्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन के मन में देखो आज कुछ आपके पार्टनर के अंदर गलत फहमियाँ भी आ गई हैं और लास्ट में मैं निकालूंगी एंजल मैसेज से। आपके अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपने सवाल को सोचिएगा, एंजल्स आपको जो भी कहेंगे, ठीक है, एंजल्स जो भी कहेंगे उन्हें सोचिएगा, उस पर काम कीजिएगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आगे दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। सोशल मीडिया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू कंप्लीट मी, फाइटिंग, आई एम नॉट फाइन,
इसमें आ गया 7 चक्र का मेडिटेशन, तो आप लोग 7 चक्र का मेडिटेशन जरूर करें अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, खुद को लाइफ में चेंज करने के लिए, जिससे सक्सेस, ग्रोथ, नेम, फेम, आपके पार्टनर सब लोग मिल सकते हैं। पहली बार डियर ये पर्सन के मन में कुछ ऐसे बातें उभर रहे हैं। देखो ये पर्सन, सबसे बड़ी बात, ये बहुत मेहनती है। ये पर्सन जो भी आपके मेल हो फीमेल हो, बहुत मेहनती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्रोस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। और वर्ड ऑफ द डे से आया है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, सारे साइन हैं। पहली बात तो आपका अगर इनसे रिश्ता है तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों के रिलेशनशिप पे आपके एंसिस्टर की, उनके एंसिस्टर की ब्लेसिंग्स है, ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी डियर कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है व्यूअर्स, ठीक है, आप खुद एक एंजल हो, ठीक है, और यहाँ पे एंजल और एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। बट जो भी आपके पर्सन हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे वो भी कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखते हैं। देखिए यहाँ पे इस पर्सन को क्या गलत फहमियाँ हो गई हैं, है तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन और आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। हो सकता है आप दोनों में फाइटिंग हुई और फाइटिंग के बाद ये खुश नहीं है। हो सकता है किसी प्रकार का फाइटिंग यानी टावर आया आप दोनों के रिलेशनशिप में और आप दोनों में फाइटिंग हुई, आपकी पर्सन इस वक्त खुश नहीं है, ठीक है। और कुछ बाबू, आप लोग को 7 चक्र का मेडिटेशन करना होगा। 7 चक्र का जो मेडिटेशन होता है ना, वो यिंग और यांग यानी शिव और शक्ति को बैलेंस करते हैं, जिससे क्या होता है कि शिव और शक्ति जो होते हैं, एक मैस्कुलाइन एनर्जी होते, एक फेमिनाइन होते हैं, तो उस फेमिनाइन एनर्जी को और मैस्कुलाइन एनर्जी को, जो एक ईगोइस्टिक होते हैं और एक इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी को जो बैलेंस करते हो वो होता है 7 चक्र से। जब आप अपने कुंडली को 7 चक्र को बैलेंस करते हो तो ये पर्सन सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ रहा है, अगर आप कह रहे 7 साल से, 6 साल से वो पर्सन बात नहीं कर रहा, 5 साल से बात नहीं कर रहा या महीने से नहीं बात कर रहा, तो आप उनके लिए अपना हेल्थ तो नहीं खराब करोगे, अपना जीवन तो नहीं बर्बाद करोगे। उतना समय हम खुद पर काम कर लेंगे, हम खुद पर काम करेंगे। प्यार है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। यू कंप्लीट मी, ये यू कंप्लीट मी क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि आप उनकी काउंटर पार्ट हो। ब्लॉकेज बहुत आते हैं, बहुत स्ट्रगल होते हैं, काफ़ी लंबी जर्नी होती है, टफ जर्नी होती है, पेनफुल जर्नी होती है, बट सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको अपने पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये पर्सन के लाइफ में ऑब्स्टिकल हैं, बर्डन है, प्रेशर है, और कुछ पास्ट में इन्होंने कुछ डिसीजन लिया था कुछ समय पहले, हो सकता है इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया था, या फिर उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया, आपको धोखा दिया। तो ये पर्सन के मन में क्या आए हैं आपको लेकर ख्याल, आप सुन लीजिए। पहले तो कोई फीमेल इनके लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी जो भी है इनके लाइफ में कोई फीमेल है, और जो भी फीमेल है वो अपनी पर्सनालिटी और पैसे से उन्हें बहुत लगाव है। ये हो सकता है खाकी वर्दी वाले भी हों, अच्छी जॉब भी हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करती हैं। एज बड़ी भी हो सकती है, एज में बड़ी भी हो सकती है, ये फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन हो सकता है प्रेशर, बर्डन की वजह से, और ये फीमेल थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले इन्होंने कोशिश की थी। हो सकता है आप में फाइटिंग हुई, या फिर इनके फैमिली में पेरेंट्स से फाइटिंग हुई, इनकी मदर या फादर जो भी हो, पेरेंट्स किसी से भी फाइटिंग हुई हो, बट डियर यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं,
सिचुएशन आकर यहाँ पे ये खड़ी हो गई है कि ये कन्फ्यूज है, इन्हें अब लगने लगा है कि आजकल ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप इनके तरफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, आपका ट्रू इंटेंशन क्या है ये पर्सन आपके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं और ये हारा हुआ थका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि आप किसी से छुपके छुपके बात तो नहीं करते हो, कहीं आपने इनका दिल तो नहीं तोड़ा है। इनके मन में अब ईगो जाग चुका है, ठीक है, छुप छुप कर आप पर नज़र रखना, सोशल मीडिया पे स्पाइक करना। और यहाँ पे देखिए, ये सोच रहे इस पर्सन को क्या कि कहीं आप किसी और से बातें तो नहीं करते, कोई और ऑप्शन तो नहीं आ गया मेरे अलावा। आपके पर्सन में ये कुछ दिखाई दे रहा, बट इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए हो, पहले से चेंज हो गए हो, आपको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। हो सकता है डियर कि ये पर्सन ने आपको हाल में कुछ, हो सकता है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने एक्शन भी ली हो, लेकिन इनको अंदर से दुख भी है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, बट सिचुएशन बार बार आकर वहीं अटक जाती है जहां कन्फ्यूज़न और थर्ड पार्टी इशू और मदर सिस्टर जो भी उनके लाइफ में हो, बॉस हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की किसी और से भी दोस्ती हो सकती है जो कि ऑप्शन की एनर्जी में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ फीमेल का भूमिका बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा, ठीक है। इस पर्सन का दिल टूट चुका है, ये कन्फ्यूज्ड भी हैं और ये सोच भी रहे हैं कि ये परिवर्तन आखिर क्यों, आपको क्यों इनका ख्याल बार बार नहीं आ रहा कि किस हालात में है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन इनमें आ गया है थोड़ा ईगो, ठीक है, इनमें आ गया थोड़ा ईगो, बट ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपसे दूर रहकर भी, बात ना कर कर भी ये कहना चाहते हैं मैं खुश बिल्कुल नहीं हूं। तब भी इनके मन में है कि वो आपको ऑफर करें, ठीक है, तब भी इस पर्सन में है कि वो आपको ऑफर करें। तो कुछ गलत फहमियां भी इनकी हो गई है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, या किसी थर्ड पार्टी से बात करते हो, आप में ईगो आया है, आप स्टबन हो गए हो, आप जिद्दी हो गए हो, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो अगर उन्होंने कुछ दिन पहले ऑफर भी किया है तो शायद आपका कुछ ऐसा उनके तरफ अटेंशन नहीं रहा है ना, आपको सिर्फ की अपनी पर्सनालिटी, अपना लुक, या फिर कुछ वर्ष आप नेचर से कनेक्ट होने लगे हो, हो सकता है आप पक्षियों को देखने लगे हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि मेरे अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, करियर भी, फाइनेंस भी ज़रूरी है, अच्छी जॉब की भी मुझे ज़रूरत है। तो कुछ व्यूवर्स आप डाउन टू अर्थ हो रहे हो, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा नेचर से कनेक्ट हो रहे हो या फिर आपने खुद को बदलने का सोच लिया है, क्योंकि आप में एंजेलिक ब्लेसिंग और आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स बहुत है। हाँ, इनके मूड स्विंग जरूर हो रहे हैं, कभी गुस्सा, कभी ईगो, कभी डाउट, कभी शक, इस तरह की एनर्जी उन्हें हो रही है। और गुस्से की वजह से अगर इन्होंने आपके साथ फाइटिंग किया है तो वो खुश तो नहीं दिखाई दे रहे, बट ये एक्शन लेना अभी भी चाहते हैं, ठीक है, ये एक्शन अभी भी लेना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में जो डाउट आ गया, जो छुप छुप कर आपको स्पाइक कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो चाहे जैसे भी हो, छुप छुप पर आप पर नजर रख रहे हैं, कहीं आप इन्हें चीट तो नहीं कर रहे हो, कोई ऑप्शन तो नहीं आ गया, आप में ईगो है, आप में गुस्सा आ गया, आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, तो ये सब देखकर आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा ईगो आ गया इनके अंदर, ठीक है, थोड़ा जिद्दी हो गए ये पर्सन, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी ये पर्सन आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में अभी भी कोई फीमेल आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर उनसे भी ईगो से डील कर रहे हैं बट छोड़ नहीं रहे हैं, समझ गए बात को, वहाँ से छुटकारा इन्हें नहीं मिल पा रहा और उनसे भी ईगो से ही डील कर रहे हैं, जिद से ही डील करें, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने जो भी ये फीमेल भी हैं उनसे भी इनका कहीं ना कहीं दर्द ही मिल रहा है, धोखा ही मिल रहा है। और ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड भी है कि मैं क्या करूं, जबकि आपका रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं और ऑफर चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिश्ता, और ये है पास्ट लाइफ कनेक्शन, और थर्ड पार्टी हो सकती है कि ये कार्मिक हो, ठीक है, ट्रिगर करती हो, बट कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ऐसे भी हैं, बात करें या ना करें लेकिन उनके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनसे भी इस वक्त इनकी नहीं बन रही, ठीक है। अब एंजल मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो चलिए आपके सवालों का जवाब देखती हूँ, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल चल रहे थे, उन सवालों का जवाब एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की दीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, रिसीव कीजिए। और बाबू कुछ व्यूअर्स, अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ रहा है, आप लोगों में फाइटिंग वगैरह भी हुए हैं, कोई भी आपके मन में कुछ ऐसे सवाल जवाब आ रहे हैं, तो यहाँ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के अंदर आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है, और यहाँ पे देखा जाए तो बिग हैप्पी चेंजेस भी आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप चिंता मत करो, यस की एनर्जी दो दो आ गए हैं, तो आप रिकवरी होगी, रिलेशनशिप हो या हेल्थ इश्यू हो, रिकवरी होगी। यहाँ दो दो कार्ड आ गए हैं यस के, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और आपके सवालों का जवाब दो दो कार्ड आ चुके हैं यस की, तो बिग वाला, बिग हैप्पी चेंजेस वाला एनर्जी आई है। तो यस यस और क्लेम और ग्रैटिट्यूड, बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आपके सवाल हो रहे अटके हुए हैं, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा कुछ आपके सामने आने वाला है, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। कोई ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर के तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन नहीं हो पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, या फिर कोई और बात हो सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग जो कार्ड आई यस यस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। बस खुद को बदलिए और देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। बस आप एंजल से कांटेक्ट कीजिए, आपकी रिकवरी भी रिलेशनशिप में आ रही है, आप देख सकते हो रिकवरी की एनर्जी है, रिलेशनशिप हो या हेल्थ इशू हो, देखिएगा आपकी हेल्थ इशू अच्छी होगी, ठीक है, सक्सेस भी दिखाई दे रहा, तो आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आ रहा है। कुछ वीक्स इंतजार कीजिए, लेकिन खुद पर काम कीजिए, अपने गुस्सा को, अपने नेचर को एकदम से सुधार लीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और मिरेकल्स देखिए कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, सक्सेस, रिकवरी, यस 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 विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आप देखेंगे कुछ हफ्तों के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये है लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।